तो ये है माइनक्राफ्ट की एक डबल चेस्ट और इसमें हम स्टोर कर सकते हैं लगभग 3456 आइटम्स। और आज मैं बनाने वाला हूँ एक ऐसी चेस्ट जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं 17 मिलियन आइटम्स। सो दिस इज इंसेन। सो इफ़ यू एक्साइटेड सो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लो। सो या इंजॉय। सो या स्वागत है। सो बाय द वे मेरे को एक चेस्ट बनानी है आज के वीडियो में। सो इसके लिए मेरे को बहुत सारा आइटम लगेगा और बहुत अच्छी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। मेरी तो अच्छे से ट्राई होगी आज। सो मेरे पास शुरू से ही कोई अच्छा सोर्स नहीं है मेरे आइटम्स को कलेक्ट करने का। सो मैं एक स्टोरेज बिल्डिंग बनाऊंगा जो दिखने में एक चेस्ट की तरह होगी। सो बहुत सारा आइटम कलेक्ट करना है जिसके लिए मेरे पास पूरा जुगाड़ है। सो कौन सा आइटम कहाँ से मिलेगा सो वो कलेक्ट कर लूँगा। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो का जो हाउस बनाया था ना अपने, न्यू हाउस न्यू मैंसन, सो उसका टूर देता हूँ ये कैसा है। सो ऐसा है बाहर से कुछ ऐसा है। सो यहाँ से पिंक पार्टिकल्स निकलते हैं, इसके लिए मैंने लीव्स का यूज़ किया है। सो अंदर चलते हैं। सो अंदर से कुछ ऐसा है और नीचे भी ये है, यहाँ पे ग्रास ही अभी, यहाँ पे मैं खेती करूँगा। सो ऊपर भी कुछ नहीं है, ये खाली पड़ा है। और यहाँ पे ऊपर वाले पे भी कुछ नहीं है, ये भी खाली है। अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, सीधा मैंने सोचा कि ये बिल्ड बना दूँ फिर यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि पास ही में अपना स्टोरेज होगा। और ये मैंने पता नहीं क्यों बनाया है। सो सबसे पहले मेरे को आयरन फार्म पे जाना है, बिकॉज मेरे को बहुत सारा आयरन कलेक्ट करना है, मेरे को ऊपर बनाने हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ अपने आयरन फार्म पे। सो लैंडिंग करता हूँ अच्छी वाली और कलेक्ट करता हूँ यहाँ पे जितना भी आयरन है। मुझे लगता है ज़्यादा आयरन तो नहीं होगा, सो है जितना कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर अपने टूल्स को प्रिपेयर करना है। सो मेरे को अपने गोल्ड फार्म पे एफके करना होगा और वहाँ से टूल को प्रिपेयर करूँगा। ठीक ठाक अमाउंट में आयरन है, ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सा ही आयरन है। सो इनसे मेरा काम हो जाएगा, बट अब मेरे को अपने टूल्स को रिपेयर करना है। सो वो कर लेता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। सो आ चुका हूँ मैं अपने टूल्स वगैरह को रिपेयर करके। सो अब मैं बता देता हूँ कि मुझे मेरे बिल्ड के लिए कौन कौन से आइटम चाहिए बनाने के लिए। सो सबसे पहले मुझे चाहिए बहुत सारा येलो कॉन्क्रीट, फिर बॉर्डरिंग के लिए चाहिए थोड़ा बहुत ब्लैक कॉन्क्रीट, बहुत सारी चेस्ट वगैरह। सो कॉन्क्रीट के लिए कॉन्क्रीट पाउडर चाहिए, उसके लिए मेरे को बहुत सारी सैंड और ग्रेवल कलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा सैंड ड्यूपर का, जो कि अपने एंड में। सो चलते हैं और वहाँ पर बहुत देर एएफके करता हूँ और कलेक्ट करता हूँ डिसेंट अमाउंट में बहुत सारी सैंड और ग्रेवल। सो एक और बना दूंगा मैं वहां पे ड्यूपर। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूं एंड में और यहाँ पे पास ही में मेरी बहुत सारी चेस्ट वगैरह रखी हुई हैं, उन्हें कलेक्ट करता हूं और फिर उनसे स्टोरेज को एक्सपेंड करता हूं और प्लस में एक और ड्यूपर बना देता हूं। सो अब एएफके करता हूं और फिर मैं मिलता हूं आपसे। अपना सैंड ड्यूपर ब्रेक हो चुका है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, सैंड डुप्लीकेट हो रही है बट कलेक्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, कोई दिक्कत आ चुकी है अपने सैंड ड्यूपर में। सो उसे मैं ठीक कर दूंगा, बट अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मुझे एक डेजर्ट बायोम ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ से बहुत सारी सैंड और ग्रेवल कलेक्ट करनी पड़ेगी, ग्रेवल और कहीं से मिलेगी सो वो भी कलेक्ट करनी पड़ेगी। सो उसे ठीक करता हूँ, यहाँ ठीक होता है तो, नहीं तो फिर मैं डेजर्ट बायोम ढूंढ लूँगा। सो फाइनली अपना सैंड ड्यूपर ठीक हो चुका है, इसमें छोटी सी मिस्टेक थी, मेरे को सामने नहीं बनाना था एक और ड्यूपर। सो ये अब ठीक हो चुका है, अब मैं पहले बहुत सारी ग्रेवल को ड्यूप करूँगा फिर सैंड को और फिर मैं निकल जाऊंगा ओवर वर्ल्ड के लिए। सो या इंजॉय। सो गाइज, मेरे को जितनी भी सैंड चाहिए थी वो कलेक्ट कर ली है। सो अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कितनी सैंड कलेक्ट की है। सो ये रहे अपने सेलकर, इसमें है ग्रेवल, सो ग्रेवल, और ये रहा अपना सैंड वाला सेलकर बॉक्स। सो इसमें इतनी तो सैंड है और ग्रेवल ठीक ठाक अमाउंट में है मेरे पास और चेस्ट में रखी है। सो एक सेलकर पूरा भर के और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ग्रेवल है। सो और सैंड कम है, सो वो ओवरवर्ल्ड में कलेक्ट कर लूँगा। सो या और कलेक्ट करते हैं और निकल जाते हैं आप ओवरवर्ल्ड में। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में और अब मेरे को बहुत सारी वुड फॉर चेस्ट, डाइज के लिए ब्लैक डाई और येलो डाई चाहिए और थोड़े बहुत सैंड कलेक्ट करनी है। सो ये करता हूँ, अरे हटना, हाँ सो ये करता हूँ, फिर आ गया। सो ये करता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। सो इन्जॉय। तो
मेरे को जितना भी आइटम चाहिए था अपनी चेस्ट बनाने के लिए, सो वो कलेक्ट कर लिया है। अब कंक्रीट बनाते हैं, जो जो कंक्रीट हमें चाहिए अपने बिल्ड के लिए, ब्लैक और येलो कंक्रीट ही चाहिए अभी तो, और चेस्ट वगैरह मैं बाद में बना लूँगा। सो जल्दी से बनाते हैं। सो मेरे पास दोनों सेल्कर बॉक्स भर के ग्रेवल, सैंड सब कुछ है मेरे पास। सो बनाते हैं। सो इस चेस्ट में पहले ये रही, बहुत सारी डाई वगैरह बनानी पड़ेगी, सो ये बनाता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने कंक्रीट वगैरह बना लिया है, बट अब मेरे को एक एरिया क्लीन करना होगा जहाँ पे हम अपनी चेस्ट बनाएंगे। सो मैं अपनी चेस्ट अपने हाउस के पीछे बनाऊंगा। सो या एक एरिया क्लीन कर लेता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ऑलराइटी, तो अपना एरिया क्लीन हो चुका है पूरा। सो अब मेरे को यहाँ पे लगाने हैं ब्लैक कंक्रीट, वो भी बॉर्डर बनानी है उनसे। सो वो बनाता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। तो फाइनली अपना बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है अपनी चेस्ट का, और ऊपर वाले ब्लॉक्स नहीं लगाए मैंने बिकॉज अभी ये कंक्रीट पाउडर ही है, सो ये नीचे आ जाता है, सो इसलिए मैंने नहीं लगाए। सो अब आगे की चेस्ट बनाता हूँ। सो या इंजॉय। कुछ अंतिम ब्लॉक्स, सो ये लास्ट ब्लॉक और अपनी चेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो सबसे पहले नीचे चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कितनी बड़ी चेस्ट है। सो गाइस, अपनी चेस्ट ये रही, जो कि कुछ इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और अभी मैंने इसमें कोई भी चेस्ट वगैरह नहीं रखी है बिकॉज मेरे पास वुड कम पड़ रही है, बट और कलेक्ट कर लूँगा। सो 5000 से भी ज़्यादा चेस्ट रखनी है। सो या इतनी चेस्ट रखने के लिए बहुत सारी वुड भी लगेगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो। सो बाय बाय।